नमस्कार, मेरा नाम कुसुम है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खराब अर्थव्यवस्था राजनीति के लिए अच्छी है, इन्हीं शब्दों में अभिजीत बनर्जी ने मोदी सरकार की नोटबंदी की आलोचना की थी। वही अभिजीत बनर्जी जिन्हें इस साल के इकोनॉमिक नोबेल के लिए चुना गया है। उनके साथ एस्थर डफलो और माइकल क्रैमर को भी 2019 का इकोनॉमिक्स नोबेल दिया जाएगा 10 दिसंबर को। नोबेल एकेडमी ने लिखा कि तीनों को ये सम्मान विश्व में गरीबी को कम करने की दिशा में उनके प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए दिया जा रहा है। नोबेल एकेडमी ने लिखा, 2019 के इकोनॉमिक नोबेल विजेताओं के रिसर्च ने वैश्विक गरीबी से निपटने की हमारी क्षमता में सुधार किया। केवल 2 दशक में उनके एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ने विकास की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। उनकी स्टडी का ही नतीजा है कि भारत के 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हुआ। कई देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो इस वक्त मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में प्रोफेसर हैं। वहीं माइकल क्रैनर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स में नोबेल पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले अमर्त्य सेन को ये सम्मान मिल चुका है। 1961 में जन्मे बनर्जी की मां निर्मला बनर्जी और उनके पिता दोनों ही प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BSc के बाद JNU से MA किया। उनके पास दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और JNU दोनों ही जगहों पर एडमिशन का ऑप्शन था, लेकिन वो JNU की खूबसूरती और एम्बियंस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं एडमिशन ले लिया। साल 1988 में उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने PhD की डिग्री दी थी। बनर्जी के साथ नोबेल पाने वाली एस्थर डफलो उनकी पत्नी हैं। फ्रांस की रहने वाली हैं और MIT में प्रोफेसर हैं। डफलो और बनर्जी ने साथ में काफ़ी काम किया है। दोनों ने पुअर इकोनॉमिक्स, अ रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी नाम की किताब लिखी है। ये किताब खासी चर्चित हुई थी 2011 में। बनर्जी अब तक 7 किताबें लिख चुके हैं। बनर्जी और डफलो ने सेंदल मुलईनाथन के साथ मिलकर MIT में अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब यानी JPAL बनाया है 2003 में। ये लैब अब तक 200 से अधिक डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट कर चुका है। फरवरी 2015 में बनर्जी और डफलो इंडियन एक्सप्रेस के एक इवेंट में शामिल हुए थे। इस इवेंट में उन्होंने बताया था कि JPAL भारत में 2007 से एक्टिव है और उसने भारत की कई सरकारी योजनाओं पर एक्सपेरिमेंट किया है। राइट टू एजुकेशन के लिए बनर्जी ने कहा था कि ये व्यवस्था बच्चों को स्कूलों तक ला पा रही है। स्कूलों के लिए ये ज़रूरी है कि तय समय पर सिलेबस पूरे हों, लेकिन बच्चा कितना सीख पा रहा है इस पर किसी का फोकस नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि नरेगा स्कीम असल ज़रूरतमंदों तक पहुंचने में असफल हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस ने अपने शपथ पत्र में एक वादा किया था, 5 करोड़ गरीब परिवारों के लिए न्यूनतम आय योजना यानी न्याय योजना, इसे मिनिमम गारंटी स्कीम नाम दिया गया। वादा किया गया कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को महीने में 6,000 यानी सालाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे। ये स्कीम अभिजीत बनर्जी के दिमाग की उपज थी। हालांकि उन्होंने 6,000 प्रति माह का नहीं, उससे कम का प्लान दिया था। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में अभिजीत ने बताया था कि उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि मिनिमम इनकम गारंटी के तौर पर शुरुआत में 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएं और बाद में धीरे धीरे उसे बढ़ाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति माह का ऐलान किया था। बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस संभवतः इस योजना को चुनाव के नजरिए से देख रही थी। अप्रैल 2017 में JPAL ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें बनर्जी ने नोटबंदी लागू करने के पीछे मोदी सरकार ने जो भी तर्क दिए थे उन्हें अपने तर्कों और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से खारिज कर दिया था। इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का फायदा होने की बजाय उसका दबाव अधिक पड़ा, लोग परेशान अधिक हुए, लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि मोदी सरकार ने देश हित में ये कदम उठाया है। नतीजतन BJP की राजनीति पर इसका पॉजिटिव असर हुआ। हालांकि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा के बाद PM मोदी ने ट्विटर के माध्यम से अभिजीत बनर्जी को बधाई दी है। वैसे चलते चलते एक जानकारी ये भी कि इकोनॉमिक्स के लिए मिलने वाला नोबेल प्राइज नोबेल एकेडमी सीधे नहीं देती है, ये स्वीडन की सेंट्रल बैंक देती है। ये अवार्ड 1968 में शुरू हुआ था। बैंक नोबेल एकेडमी को डोनेशन देता है, उस डोनेशन से ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज ना होकर द स्वेरी जेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉप को लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हमारा ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप ताज़ा खबरों के लिए उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।